आज हम आपको भारत के 5 ऐसे सड़क रास्तों के बारे में बताने वाले हैं जिस पर ड्राइव करना किसी आम इंसान के लिए बस की बात नहीं है। सड़कें इतनी खतरनाक हैं कि यहाँ पर जान जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। इनमें से कुछ सड़कें तो ऐसे हैं जहाँ पर जाने के लिए सरकार से परमिशन लेने पड़ते हैं। कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन्हें खतरनाक होने की वजह से साल में कुछ महीनों के लिए बंद भी रखा जाता है, तो इन पर गाड़ी चलाने में अच्छे अच्छे ड्राइवरों की पसीने छूट जाते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी है भारत की 5 सबसे खतरनाक सड़कें। नंबर 1, नेशनल हाईवे NH22 हिमाचल प्रदेश नेशनल हाईवे तिब्बत रोड के नाम से भी जाना जाता है। यह रास्ता अम्बाला से शुरू होकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से होते हुए गुजरता है। और आपको बता दे कि इस रास्ते को नरक का रास्ता भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ खड़ी पहाड़ियों को काट कर बनाए गए इस रोड की दूसरी तरफ गहरी खाई है जहाँ बहुत लोगों की गिरने से मौत हुई है। यहाँ ड्राइवर का एक गलत कदम और गाड़ी सीधे खाई में। दोस्तों, यह रास्ता बेहद ही बदला है और इसके मोड़ कहीं कहीं इतने सर्फ हैं कि गाड़ी चलाते वक्त टर्निंग का आगे का ही रास्ता नहीं दिखाई देता है। अगर आप इतने में ही घबरा गए तो आपको बता दूं कि ठंडी के वक्त ज्यादा बर्फ गिरने के कारण यहाँ गाड़ी चलाना और भी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि बर्फ जमने के कारण आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है। नंबर 2, गाटा लूप्स लद्दाख। यह रोड ड्राइवर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आपको बता दें कि इस जिगजैग रोड पर कई शार्क टर्निंग है जिसकी वजह से ऊपर से देखने पर यारों और बिल्कुल किसी कुंडी मार के बैठे हुए किसी सर्प की तरह दिखाई देता है। यहाँ पर बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले ड्राइवर भी गाड़ी चलाने से डरते हैं। आपको बता दें कि इस सड़क पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिसके कारण यहाँ काफी अंधविश्वास भी बढ़ रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि दुर्घटना में मरे ट्रक ड्राइवर आत्माएं आज भी यहाँ देखने को मिलती हैं। खैर, यह सब बात तो आप बताएं, पर यहाँ का बर्फीला मौसम इस रोड को और भी खतरनाक बना देता है। नंबर 3, खारदुंगला पास। भारत और चीन के बीच सिल्क रोड पर स्थित खारदुंगला पास समुद्र तल से करीब 5,602 मीटर की ऊंचाई पर है। यह रास्ता पूरी तरह से फिसलन भरा है, जिससे इस रोड पर ग्रिप बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि इस रोड की टर्निंग शार्प इतनी खतरनाक है कि आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है। यहाँ इतनी बर्फ गिरती है कि इस रोड के दोनों तरफ बर्फ की मोटी दीवारें बन जाती है। इसे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रोड इतनी स्लिपरी होगी। शायद यही वजह है कि आम लोग इस रोड पर ड्राइव करना पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पर ड्राइव करना हर किसी की बात नहीं है, बस कुछ यहाँ एक्सपीरियंस ड्राइवर ही यहाँ ड्राइव करने जाते हैं। नंबर 4, कोली हिल्स रोड। तमिलनाडु के नमक्कल जिले में स्थित कोली हिल्स रोड एक बेहद ही खतरनाक सड़क है, जिसके नाम से ही पता चलता है कि कोली हिल्स का मतलब होता है मौत का पहाड़। आपको बता दे कि यह सड़क अपने घुमावदार और तीखे मोड़ के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इस रास्ते पर करीब 70 हर्पिंग मोड है, यानी ऐसे मोड जो एक सर्फ हो। ऐसे रास्ते पर ओवरट्रेक करना कई बार जानलेवा साबित हो सकता है, इसीलिए इस रोड पर कोई भी ओवरट्रेक नहीं करता। इस रास्ते को ऊपर से देखने पर सर्फ की तरह दिखाई पड़ता है। यह रास्ता पहाड़ी पर स्थित है, जिसके कारण दूसरे छोर पर गहरी खाई है, जो इस रोड को और भी खतरनाक बना देता है। नंबर 5, नाथुला पास सिक्किम। सिक्किम में स्थित यह रोड इंडो चाइना बॉर्डर के पास मौजूद है। यह रास्ता समुद्र से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। पहाड़ी पर बनाए गए इस रास्ते पर खतरनाक और तीखे मोड़ है, और ऐसे में यहाँ का बर्फीला और तूफानी मौसम इस रास्ते को और भी खतरनाक बना देता है। आपको बता दे कि यहाँ आए दिन तूफान आते रहते हैं और बर्फबारी होती रहती है, इसीलिए यहाँ कई बार इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। आपको बता दे कि इससे भी ज्यादा भयानक यहाँ के लैंड स्लाइड, यहाँ पर अक्सर भूस्खलन और हिमस्खलन होते रहते हैं। अगर आप यहाँ हिमस्खलन में फंस गए हैं तो यहाँ से बच के निकलने का चांस नहीं के बराबर होता है। रास्ते पर भी जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है।